हेलो भाई, मैं हनपवार और नवांकुर भाई लेके आते हुए जीप कंपास डिपर मारते हुए। यो ब्रो, यो गाइस, प्लीज प्लीज अनलॉक। बूट इज ऑलरेडी अनलॉक ब्रो। ओ आई डिड नॉट नो दिस इज रिच पीपल्स कार। तो अभी हम लेह से निकल रहे हैं भाई। तबीयत इज ऑल सेट, रेस्ट करना होता है। जस्ट वो अकेम्स टर्म होती है, वो मतलब ढलना, मतलब आप किसी भी एनवायरनमेंट में से ढल जाओ। हम 2 दिन यहाँ रुके, ढल गए, तो अभी निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अभी वो कौन सी है वी डोंट नो, नवांकुर भाई से पूछते हैं क्योंकि भाई उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड है ट्रिप। मतलब इन्फॉर्मेशन में तो जैकेट वैकेट रख दो, जैकेट वैकेट लेके आओ। इसमें ORS घोल लिया है, विच इज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसमें है ऑरेंजेस और अच्छा होटल था, अच्छी सर्विस थी। मतलब हाँ, क्या इतनी अच्छी सर्विस थी? क्या भाई बताओ। अरे आ जाना अंदर, फिर बता देता हूँ। अरे मैं बोतल भर के लाऊंगा अभी दो। अच्छा, अरे भाई क्या हुआ कि ना, हमने booking.com से बुक किया था, तो 1200 रुपये ऑनलाइन बुक किया था। तो मैंने इनसे पूछा कितना हो गया टोटल, तो कहते आपने एक दिन booking.com से बुक किया था 1200 हुआ, और एक दिन हमसे डायरेक्ट बुक किया तो 1000 ही लेंगे हम, तो 2200 दे के आए हम बस। बताओ यार, इतने ईमानदार लोग कहाँ होंगे, वरना कहते तो 1200 दो नहीं तो 2400 रुपये। बहुत बढ़िया, मैं बोतल भर के लाता हूँ। तो यहाँ से पानी की बोतल हमने भर ली है। यहाँ ये ना सोचे कि कार कीच में से पानी की बोतल भर रहे हैं, यहाँ पानी इतना फ्रेश है ना कि आप इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि मतलब आप RO का पानी पी रहे हो, नॉर्मल टैप का वाटर पी रहे हो। मतलब इतना सही वाटर है यहाँ का। क्या तो इसको पीछे रख देता हूँ इन दो बोतल्स को। देख इंजन कैसी आवाज निकाल रहा है, और देख सुई ऊपर नीचे कैसे हो रही है, कोल्ड की वजह से तब से हो रही है। स्टार्ट कर लो ना, देख देख कैसे हो रही है, देख रहा तो ये तो नॉर्मल है यार, ठंडी उस पर रहती है तो होता ही है, लेकिन 18 डिग्री है, इतना भी नहीं है ठंडा। नहीं इंजन ठंडा होगा ना, रुको अभी कोल्ड स्टार्ट करते हैं गाड़ी। गाड़ी पता चल रही है तेरे को, ऐसे ऐसे हो रही है। माय डियर ब्रदर नवांकुर धनखड़, प्लीज टेल मी वेयर वी आर गोइंग टुडे। आज हम जा रहे हैं नुब्रा वैली, और हम जाएंगे आज दुनिया की हाईएस्ट रोड, जो होती थी थोड़े दिन पहले तक, पर अब बन चुकी है दूसरी, खारदुंगला। कहाँ पे बन चुकी दूसरी, कैसे बना दी उन लोगों ने? लद्दाख में ही है। फिर ठीक है। अच्छा 112 किलोमीटर है वो बस। हाँ नुब्रा वैली, नुब्रा वैली जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हैं? नुब्रा वैली। तो वहाँ पे आज स्टे करेंगे, नुब्रा वैली स्टे करेंगे। और आज का मैं बता दूँ, मौसम बहुत ही क्लियर है। कल तो आपने देखा था बारिश हो रही थी, हम वहाँ मोनेस्ट्री वगैरह गए थे तो नहीं जा पाए क्योंकि भीग जाते पूरे पूरे। आज एकदम ऐसा सा क्लियर है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ महिंद्रा XUV 700, ये देखिए पहली बार दर्शन कर लिए हमने लद्दाख में। आगे मिल जाएंगे वैसे नुब्रा की तरफ है पेट्रोल, मिल जाएगा। तो दर बहुत महंगा है, आप देखोगे ना 95 रुपीज पर लीटर, बहुत एक्सपेंसिव डीजल है भाई। छोड़ो इतना ही कर दूँगा। तो यहाँ से अब हम चढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे, जो है खारदुंगला। एल्टीट्यूड रहेगा 17,982 फीट, जो कि अपना हाईएस्ट रहेगा ना ब्रो। हाँ इस ट्रिप का हाईएस्ट है हमारा ये। और ये बीच रास्ते में एक और XUV हमको मिलती हुई, एक नहीं दो तो है। ये शायद ऑल व्हील ड्राइव की टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जो ऑल व्हील ड्राइव रहेगी, 4x4 नहीं ऑल व्हील ड्राइव आ रही है। तो पर गाड़ी मस्त ना लग रही है देखने में, है ना, नीले कलर में मस्त लग रही है। सबसे सही महिंद्रा का लोगो, हाँ यार सबसे बेस्ट चीज जो महिंद्रा ने सोची है ना, बस टाटा और सोच ले इस बारे में तो भाई उनके भाग बदल जाए, मैं कसम से बता रहा हूँ, इतना मजा आ जाएगा अगर वो बदल दे। बहुत लोग हैं जो गाड़ी खरीदने लग जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लोगो, लोगों की वजह से नहीं खरीदते लोग गाड़ी को। खैर अभी हम हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे, और एक और चीज फोर्ड इंडिया छोड़ के चला गया, मतलब लेफ्ट इंडिया। तो यार मतलब यार बेकार ही है, मतलब जितना ज्यादा कंपटीशन रहेगा, जैसे अब 8 गाड़ियां थी कॉम्पैक्ट SUVs में, इनकी बिकती कौन सी थी? एक थी अपना इको स्पोर्ट और एक थी एंडेवर। अब आप एक बात बताओ, सबसे ज्यादा खुश कौन सी कंपनी हुई होगी? टोयोटा। क्यों? फॉर्च्यूनर को वही एक टक्कर देती थी, टोयोटा को ये था कि यार थोड़े बहुत कस्टमर एंडेवर के मतलब वो भी मिल गया, तो मोनोपोली हो गई अब एक तरीके से फॉर्च्यूनर की। वो है ग्लोस्टर वगैरह, उनको ज्यादा लोग खरीदते नहीं इंडिया में, प्रैक्टिकल इतने हैं नहीं। तो ये नहीं है यार ठीक है से इंडिया लेफ्ट करना, पर अब कर दी तो भाई कर दी, अब क्या कर सकते हैं। जो कस्टमर ऑलरेडी थे अभी तो बोल रहे हैं कि हम रहेंगे, फैमिली वाली फीलिंग देंगे, तो कब तक देंगे? 2-3-4 साल लास्ट, उसके बाद तो जैसे जनरल मोटर्स का हाल है वही वाला हो जाना है उनका हाल भी। मतलब कहीं कहीं पे सर्विस सेंटर जहाँ पे एकदम ही बड़ी सिटीज होंगी वहीं पे मिलेंगे। यार एक बात बताओ, अगर आपको भी फोर्ड एंडेवर 20 लाख में दे रहे हो, ले लोगे अभी? ले लूंगा यार, रिलायबल गाड़ी है ना, मैं ले लूंगा 20 लाख रुपए में, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई डीलर गए कि स्टॉक हमारे पास बचा है, ऐसा ही आखिर में ऑफर्स चलेंगे। ये शेवरोलेट क्रूज जब हुई थी ना, तो उसके साथ भी ऐसे ही हुए थे, काफी दोस्त है ना, तो उन्होंने ऐसे उठाई थी, मतलब बहुत सस्ती उनको मिल गई थी, तो मिल जाए एंडेवर 20 लाख की, भाई मैं नहीं छोड़ूंगा 1% भी। एक बात आप खुद बताओ,
मतलब गाड़ी अब खुद नहीं बना रहे यार ये लोग, मतलब वही गाड़ी इतने सालों से घसीटते आ रहे हैं, एस्पायर, फिगो, विगो, इन गाड़ियों में दम ही नहीं था, मतलब कौन, मतलब लुक्स वाइज देखो, फीचर्स वाइज था ही नहीं कुछ भी, तो ऐसा ही हाल होना था यार। तुम प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करोगे, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, मतलब अब बस तुम गाड़ी लॉन्च करो, और इतने बायर्स रेडी रहते हैं खरीदने के लिए। खैर भाषण बहुत हो गया, मम्मी ट्रिप एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे साउथ पुल्लू पड़ता है एक जगह, यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और दो नंबर दबा देते हैं, मेरी टर्न है यहाँ पे ड्राइव करने की। ओके भाई लेट्स गो। चलो बीते बीते से कैसे लग रहे हो भाई? सांस चढ़ गई थोड़ा सा चढ़ते ही। हाँ 100 मीटर भी नहीं चले, मतलब कैसे ही है यार ये भाई। ये स्टार वालों ने पीछे लिखवा रखा है ऑफ रोडर। बस जिंदगी में इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को भाई। वो कह रहा है आगे निकल जाओ भाई। ये पहाड़ देखो यार कैसे, और भाई नो अंकुर, मेरा मन कर रहा है उड़ने वाला गियर लगा के और सीधा यहीं पहुंच जाए यार। मतलब मत दिखा मेरे को अबे। मतलब कितना मस्त है यार, मतलब अरे जूम मारो देखो यार, ये नहीं दिखा था अपने को कल से। और ना हमको जब हम पहले सरचू से ले आए थे तो भाई एक भी गाड़ी नहीं मिल रही थी, ऐसे मन नहीं लग रहा था बिल्कुल, ऐसे खाली खाली सा ऐसे लग रहा था दुनिया से कट गए हम। लेकिन यहाँ पे बाइकर्स गाड़ी खूब है तो मन लग रहा है कि हाँ। और अब हॉर्न के बारे में बताओ। हॉर्न सुनो जरा। हॉर्न मर चुका है एक्चुअली। बात क्या होती है, प्रेशर हॉर्न होते हैं और हम इतने हाई अल्टीट्यूड पे कि वो काम नहीं करता। अगर नॉर्मल हॉर्न होता है यहाँ पे तो पहले आया करते थे, वो मस्त बजता पी 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 पी। ये प्रेशर हॉर्न है तो देखो, और यहाँ पे इन्होंने जगह जगह लेकर रखा है यूज हॉर्न। आजकल सब में यही आता है, सब में यही आता, सब में यही आता है, ए टू जेड। किया में भी निकू भाई से लगवा दी फिर वो वाला जीप में कपलर टू कपलर नो वायर कटिंग। ओ भाई ये तो बहुत ही अल्ट्रा लेवल प्रो मैक्स। यहाँ खींचे फोटो खींच तो, पर यार यहाँ पे गाड़ी कहाँ खड़ी करे, हो जाएगी मेरे हिसाब से। बहुत चौड़ी रोड है। अरे पर कट है ना कट। फिर से एक और आती हुई भाई, ये क्या चाह रहे हैं ये महिंद्रा वाले है? इतनी टेस्टिंग सही है यार, गजब ही टेस्ट करके जब भी लॉन्च करेंगे लगता है। अब ये देख लो यार, चौथे दिन पांच भी होगी तो यार। ये लग, कोई लग कर। अरे ये बेस मॉडल होगा। अच्छा ये मॉडल भी AX3 AX5 MX दुनिया भर के आ रहे हैं ना भाई। बर्फ देखो, बर्फ 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 कितना कराची हो रहा बर्फ में आज तक पड़ती। अरे आज तक नहीं देखी भाई, शिमला में चुटर मुटर पड़ रही थी। वाह 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 वाह, 4 डिग्री है इधर बस भाई। हम पे नहीं रुका, हमने कहा इधर फोटो खींचेंगे। क्या उधर बहुत है ऐसे गिर रही, गिरने वाली चाहिए हमने को ऐसी लोकल नहीं चाहिए। नवांकर ब्रो, नवांकर गिर सकता है कह रहे हैं। अरे पत्थर गिर सकता है, फोटो तो खींच दो। अरे आगे चल रहा, वो कह रही आगे बहुत तेज बर्फबारी हो रही है। बहुत तेज भाई देख लो, बहुत तेज नहीं हुई तो। मैंने तो खैर इससे बहुत तेज देख रखे, पर अरुण तो इतना खुश हुआ। अरे पता नहीं क्या मिल गया हो भाई। नहीं देखी ना, मैं बोल रहा हूँ ऐसे ढक जाए हमारी गाड़ी में, बोल रहा हूँ ऐसे ढक जाए, मजा ही आ जाएगा। इतनी तो नहीं गिरेगी यार। क्या यार क्या है ब्रो, 3 डिग्रीज। ओह माय गॉड। चलो ब्रो चलो। मेरी फोटो के टाइम वीडियो बना लो। सी यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हैं। इधर काफी भीड़ भी है लोगों की फोटो। ओ भाई ये पहाड़ देखो, ये है पहाड़। अरुण भाई बर्फ वाले पहाड़ देखते एक्साइटेड। तो हम पहुंच गए भाई यहाँ पे, इस पे वर्ल्ड हाईएस्ट रोड के ऊपर। हाँ भाई इतनी भीड़ रहती है कि अपना फोटो लाइन से आपको खिंचवाने पड़ते हैं, और ऑक्सीजन लेवल इज वेरी लो हियर, डू नॉट होल्ड मोर देन 20 मिनट्स। अच्छा अपने को तो नहीं लग रही है ऐसा कोई खास है ना ऑक्सीजन लेवल की कमी, शायद 20 मिनट बाद लगे तो पहले से पहले निकल लेते हैं फिर 20 मिनट। मेरे को भाई तो डॉक्टर भी नहीं। नवांकुर भाई कह रहे हैं मेरे को 17,500 फीट पर टॉयलेट का एक्सपीरियंस लेना है। ओके ब्रो गुड लक। टॉयलेट थी ना साफ थी, और टॉयलेट में ना छेद कर रखा था कि आप टॉयलेट करते करते भी सामने व्यू देखो। तो भाई जैसे ही मतलब टॉयलेट की भाप उठ रही है वहां से तो इतनी ठंड थी यहाँ, मतलब मजा आ गया हल्के हो गए। तो वहां पे तो नेटवर्क नहीं आ रहे थे, लेकिन हम बीच रास्ते में कहीं पे तो हैं, तो यहाँ पे तो बढ़िया फुल नेटवर्क आ रहे हैं एयरटेल पोस्ट पेड के, तो सही है। मतलब ऐसे स्टोरी वगैरह डाल, अच्छा नॉर्थ पुल्लू आ गया ये, ऐसे स्टोरी स्टोरी डालना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में भाई, 2021 में हम जी रहे हैं। तो हमें अभी नॉर्थ पुल्लू में यहाँ पे रुके थे। नवांकुर भाई देखिए कितना कुछ खाते हुए, अभी हल्दी का बोला था तो इसलिए हल्दी खा रहे हैं हम।
लेकिन नवांग पर भाई नहीं मानेंगे, चाउमीन उनको चीज अच्छी है। अरे बहुत मिर्च है, सही है। आंटी कम से कम 25-30 हज़ार की कमाई है दिन की। भाई हमने 2 प्लेट चावल मंगाए, दाल और 1 प्लेट चाउमीन 450। मैंने 2 बार पूछा आंटी से 450, आंटी कहते हैं 150-150 रुपये प्लेट। भाई साहब तो मतलब यहाँ डिजर्व भी करते हैं 450 रुपये, ऐसी कोई बात नहीं भाई, इतनी दूर लेके आते हैं, पकाते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम ले में इतना सस्ता। अभी आप चलाओगे क्या? ठीक है, हाँ ब्रो आ जाओ, आप मेरे को 2-4 कहानी सुनाओ, आप सुना रहे थे। चलो तो आ जाओ, तो यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ेगी क्या? यार कितनी मेहनत करते हैं ये लोग इतने एल्टीट्यूड पे, इतने एल्टीट्यूड पे। भाई हमारी ऐसे बोलने में सांस फूल जाती है, ये लोग कैसे इतना काम कर लेते हैं साफ सफाई। फीमेल वर्कर्स कितने ज्यादा हैं। हाँ अरे ये चीज तो मेरे को बतानी भूल गया मैं, मास्क लगा के फिर बताता हूँ। भाई पता है ले में क्या सीन है, मतलब हमने जो चीज नोटिस करी, मतलब आप फीमेल को देखोगे ना तो बहुत जोर है फीमेल्स का। कहने का मतलब ये, आप पुलिस देखोगे पुलिस में फीमेल्स, दुकानों पे देखोगे वहाँ फीमेल्स, मतलब यहाँ पे ऐसे फीमेल्स का बहुत वो है। और ऐसे लड़कियाँ ऐसे मतलब उससे लिफ्ट भी मांगती है स्ट्रेंजर्स गाड़ी से भी, तो मतलब हमें यहाँ का बहुत से सिस्टम लगा, हमने लिफ्ट भी दी लड़कियों को भी दी, लड़कों को भी दी, मतलब यहाँ पे वो वाला कल्चर बहुत बढ़िया, हमारे वहाँ इतना नहीं चलता लड़कियों का, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। सेकेंड बात, यहाँ के लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत काइंड और बहुत बढ़िया, मतलब हमको सबका नहीं पता, देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, जिनसे हम लोग मिले वो हमको बढ़िया मिले। जैसे हम एक जगह पे जा रहे थे तो, अरे ट्रक आ गया उतारनी पड़ गई, तो हम जैसे एक जगह पे जा रहे थे तो हम क्या, हमने गलती से उसमें वन वे में डाल दी, तो जो पुलिस वाली थी वो आई, सर 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 ऐसे, भैया 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 ये वन वे, यहाँ से मत जाओ वहाँ से जाओ, तो ऐसे बहुत बढ़िया पुलिस है। हमारे वहाँ होता तो आगे लगा देता, आगे एक पुलिस वाला खड़ा कर देते कि वन वे गलती से कोई भी निकलेगा, क्योंकि मैं वही सजेस्ट कर रहा था कि उसका तुरंत चालान काट देंगे, तो हमारे में वो वाला कल्चर है। और पुलिस वालों को तमीज़ नहीं होती बात करने की, ऐसे तू तड़ाक से बात करते, यहाँ पे इतने रिस्पेक्ट देते हैं ना, जबकि एक टूरिस्ट प्लेस है, तो ये चीज़ तो भाई यहाँ लेह लद्दाख की। अपने आज हमने एक जगह गाड़ी थोड़ी ऐसे टेढ़ी पार्क कर रखी थी, तो पुलिस वाला आगे क्या बोले, भैया या तो चले जाओ या फिर इसको थोड़ा ना सीधी पार्क कर लो। और दिल्ली में कैसे बोलेंगे भाई, तेरे बाप का रोड है ऐसे बोलते हैं क्लियर। तो यहाँ का भाई जैसे टूरिस्ट प्लेसेस पे अक्सर देखते हैं ना कि पैसे बनाओ ज्यादा ज्यादा लोगों को ठगो, पुलिस वाले चलान काटो, यार नहीं है वो सब। यार ये मामले में बहुत अच्छा लगा अपने को, ये लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर जो भी आप बोलो। ये नवांकुर भाई झिक बहुत जल्दी जाते हो ड्राइविंग से, मेरे को दे दी फिर से अगेन। ब्रो यार मैं वीडियोस थोड़ी ज्यादा बना रहा हूँ, ये रीलर है ना, ये टिकटॉक लगाएंगे उस पर ऐसा तगड़ा सा गाना और ऐसे लगेगा देखने वालों को कि वो क्या जन्नत है। हेलो अपनी अपनी खुशी है, आप बनाओ हम ड्राइव करते हैं, हमको ड्राइविंग में मजा आता है। ये देखो भाई नज़ारे कितने अच्छे हैं, यहाँ तो नेटवर्क है आप देखोगे ना कंटिन्यूसली, यहाँ थोड़े बहुत ही डिस्टेंस के लिए जाते हैं, यहाँ सही नेटवर्क है। जहाँ हम पहले से आए थे वहाँ तो यार ऐसे सुनसान दुनिया थी, ना नेटवर्क ना कोई खाना पानी ना नथिंग। देखो स्टार्टेड वीडियो स्टार्टेड, दो सीट स्टोरी, सीट बेल्ट तो लगा लो। अरे ब्रो मैं इस सनरूफ में से निकलूंगा ना, सीट बेल्ट लगा कैसे निकल जाऊंगी। इसकी सनरूफ भी काफी कंफर्टेबल है लेकिन आगे से निकलो तब, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करी पीछे से कंफर्टेबल नहीं रहती इसकी सनरूफ, क्रेटा की पीछे से कंफर्टेबल रहती है। अभी इनके साथ क्या हुआ था अभी नवांकुर भाई बताएंगे। अरे भाई अरुण ऐसे गाड़ी चला रहा, अभी बाहर चल के बताते हैं, इनको जाने देते हैं, ऐसे अच्छा ही लगता है इनके सामने है ना। तो भाई हम ऐसे ना मोड़ से आ रहे थे ऐसे, ये मोड़ हाँ अरुण ड्राइव कर रहा था, तो मैंने आगे से ना ट्रक आता हुआ देखा, तो मैं ऐसे बता देता हूँ अरुण को, आगे से ट्रक आ रहा है तो स्लो कर ले। तो भाई ट्रक तो छोड़ा, अरुण कह रहा अरे बाइक गिरी हुई है, मैंने कहा वैसे गिरी होगी भाई, यहाँ पे बाइक गिरी बुलेट और दो बंदे एक लड़का एक लड़की, यही जो हमने अभी आपको दिखाए भाई यहाँ पड़े। मैं बताता हूँ ना ऐसे आए और ऐसे गिरे। देखो मैं दिखाऊँ आपको एक बार, कट दिखाते हैं क्योंकि ये चीज बहुत ऐसे आप सबक भी ले सकते हो। यहाँ से भाई ऐसे आ रहे और ये देखो घिसरती गई है न्यू साइकिल बुलेट की, पता नहीं क्या ही कर रहे थे, इतना तो एकदम शार्प टर्न भी नहीं था। यहाँ से ऐसे ब्रेक तो लिए भाई देखो, यहाँ से जाते जाते
और ये घिसरते गए भाई, यहाँ पड़े थे ये दोनों, यहाँ पड़े थे भाई। हमने देखा फिर हम गए बाइक बाइक निकलवाई। हमारे पहले ना दो हिमाचली बंदे वो टैक्सी वाले रुके हुए थे। हाँ। तो भाई बाइक ऐसे पड़ी थी, मैंने कहा भाई अरुण बंदे तो बाहर आ गए थे जब तक हम आए, नहीं आ ही रहे थे शायद। हाँ। तो भाई हम कह रहे कि भाई बाइक तो जिंदगी में नहीं निकल सकती वो, इतनी भाई इतनी एल्टीट्यूड पे। और उन्होंने हिमाचलियों ने वीडियो में नहीं दिख रहा हो, लद्दाख वालों ने यार हेल्प कर दी और निकाल दिया यार उनकी बाइक भाई, उनके प्राण से निकल। और फिर हमने तो ये भी कहा था कि तुम बाइक छोड़ो यहाँ पे, अब गिर गई पता नहीं क्या डिफेक्ट होगा, हम दो ही हैं आपको छोड़ देते हैं आगे तक। कह रहे बाइक कहाँ छोड़ेंगे, मैं भाई ऐसे एक्सीडेंट के बाद ना बाइक की टेंशन नहीं होनी चाहिए, ऐसे एक्सीडेंट के बाद अपने प्राणों की टेंशन। भाई उस बाइक पे बैठ के बंदे चले कैसे गए मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अब भी चले गए बैठ भी चले गए भाई, मैं तो जिंदगी में ना बैठता, प्राण निकल गए होंगे भाई। अगर ये तो चलो ऐसा था बच गए, कोई और वो आगे जाके गिरते तो भाई खत्म थे, नीचे तक तो कोई पाई पाता ही नहीं है भाई, यहाँ पे भी मर जाते अगर हेलमेट नहीं पहना होता। हाँ। या फिर जोर से लग जाती सिर फट जाता है यहाँ तो। बस निकाल ली फिर, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, बहुत बाइकर्स आ गए, फिर सबने ऐसे रस्सी से खिंचवा दी बाइक और यार बुलेट स्टार्ट हो गई। अगर कोई होती है RC KT R15 भाई वो तो बिखर जाती है सबरी भाई। हमने बहुत भाई। नहीं मैं अब बहुत देखा, मैंने तो क्या कहते हैं भाई बहुत हमने आते वक्त देखा कोई ट्रक पड़ा है कोई कार पड़ी है बहुत, पर आदमी पड़े ये तो भाई लाइव हमने पहली बार देखा था, एकदम ही भयंकर सीन था वो भाई। बस पर यार बंदे फिर भी मतलब ऐसे थे कि बाइक को तो चोट नहीं लग गई, ये नहीं हो गया। मैंने कहा यार पता नहीं आजकल लोग मटेरियलिस्टिक तो है ही यार, अपनी जान बच जाए वो नहीं है भाई। अब भी गए दोनों बैठ के, हिम्मत ही नहीं होगी, लड़की थी पीछे जब बताओ। चलो यार अपने को क्या है, पर यार संभल के चलाओ, अपना कार वार बचा लेती है पर बाइक में उनकी किस्मत थी जो बच गए, वरना तो नहीं। कहते हैं ना कि एस्प्रेसो का 0 स्टार रेटिंग है, बाइक का क्या है भाई -10। यहाँ से एस्प्रेसो भी बचा लेती है आपको, बचा तो लेती पर अगर हेलमेट नहीं होता तो खत्म थे। बस सेकेंड लाइफ इनको मिली है एक तरीके से, लगा लो। तो बाइक पे हेलमेट और कार में सीट बेल्ट ऐसी जगह पे तो जरूर 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 लगाएं। बादल भाई गजब नवांकुर भाई, ये तो क्या मस्त लग रहा है रियल आंखों से। नूबरा वैली के जैसे से पास जाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को भाई ये भी देख सकते हो आप, नूबरा रिवर है ये, अपने को दिख रही है, काफी अच्छा व्यू है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ अपना डिस्किट में अपना होटल रूम कैसा है। तो ये अच्छी बात है पहाड़ों पे अपने को ऐसा रूम मिल गया, वरना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा अपने को रूम मिल जाएगा। ये देखो बाथरूम में दिखाऊं तो पूरा कमरा जितना तो भाई इसका वॉशरूम है, ये देखो। और व्यू देखो मेन, तो भाई कितने बज रहे हैं 5, व्यू देखो भाई बाहर का। भाई क्या देखने आए हो भाई, एक बार अपनी नेट स्पीड चेक करवाओ पहाड़ों में कैसी नेट स्पीड है। हाँ भाई, अरे बाथरूम में तो भाई 50 MBPS तक जा रही थी। अरे यार यहाँ पे मत देखा करो तो मैं क्या यहाँ पे दिखाता हूँ रुको ले। और यहाँ पे बाइकर्स की ऐसे बहुत गैंग है, यहाँ से निकलता हूँ। हाय डियर ब्रो, ले इसे ले ले, गुड मॉर्निंग। अरे ले आओ ये वाल ले आओ ले आओ, इस पे जम मार के देखो, आज टेस्ट करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी सनरूफ की। हाँ कूद जा, कुछ नहीं भाई। तो ये सब है भाई डिनर टाइम बुफे था अपने, इसमें ये क्या क्या है बाहर के दिखा दो। चिकन ये तो रहने दो, ये आलू हो गया। हाँ मतलब इतनी वैरायटी नहीं है बट ठीक है। दाल हो गई, इसमें चावल हैं। अच्छा और इसमें क्या था, सूप बोल लो, सूप है। नहीं भाई गैस करने मजा आएगा। पापड़ वगैरह रोटी है। एंजॉय 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 भाई। अरुण तो बात बता दे रहा होगा, कुछ नहीं दिख रहा तेरे को है ना, तू इमेजिन कर सकता उस हाइट तक, मतलब पहाड़ है इतने मैसिव पहाड़। अच्छा? इमेजिन नहीं कर सकते। मैं तो कर सकता हूँ। अरे आमिर बड़े यूट्यूबर है, मेरी आंखों से देखो, मुझे पता है ना, मैंने शाम को देख लिया था। नहीं वैसे नहीं, रियलिटी में नहीं दिखते भाई बिल्कुल, रात में ऐसे लग रहा है जैसे दिल्ली हो नॉर्मल। अभी भाई वर्क मोड ऑन, कर लेते हैं काम भाई, काम कर रहे हैं तभी हम थोड़ा घूम पाते हैं। सही बात है, वरना तो फ्री फंड में तो कौन बाप के पैसों पे घूमता आज भाई। एक तो यार ये वीडियो हमने आज ही लाइव करी है ना भाई, ये नवांकुर भाई तो हंस के पागल हो जाते हैं भाई। सुना तो एक आध कमेंट भाई, निक्कू भाई भी लाइक, अब मैं क्रेटा को 4x4 बनाऊंगा और लद्दाख जाऊंगा।
टूटी फॉर्च्यूनर आ रखी है, निक्कू भाई भी लाइक ओ माय गॉड इसके सारे कपड़े निकल गए। तो भाई पहाड़ों पे आ रहे तो सेफली ड्राइव करें और सेफली राइड करें अगर बाइक्स वगैरह को कर रहे हो, क्योंकि आज का आपने इंसिडेंट देख लिया था। कल का क्या प्लान है ब्रदर? भाई कल हम जाएंगे लद्दाख की ऊँटों के साथ फोटो खिंचवाने। कहाँ पर? हुंडर। और उसके बाद? फिर उसके बाद यहाँ पे गो कार्टिंग करेंगे और वो जो डेजर्ट में बाइक से चलाते हैं वो चलाएंगे और उसके बाद जाएंगे पेंगोंग लेक। चलो भाई कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, टाटा बाय बाय।